एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के दो पार्ट में ये दो अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, जो आपने अगर वो नहीं देखी तो आपने पहले वो जरूर देखनी है, तभी आपको ये सम अच्छे से आगे समझ आ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू जी एच फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स एंगल एक्स एंड एंगल वाई। हमें नीचे जो फिगर दी गई है उसमें हमें बता दिया कि कौन कौन सी लाइनें पैरेलल है। पैरेलल मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होती है, मतलब इक्वल है, ठीक है। जैसे इसमें क्या कहा, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ई एफ ये वाली लाइन इस लाइन की, जो रेड लाइन है एक दूसरे के पैरेलल, जो ब्लू से मार्क की है वो एक दूसरे के पैरेलल है। हमने एंगल एक्स और वाई पता करना है कि कौन सा एंगल एक्स है कौन सा एंगल वाई है। अभी एंगल एक्स को पता करने के लिए पहले हम लिखेंगे अगर ये वाली लाइंस, ठीक है। अभी आप देखो कि हमें दो लाइंस कौन सी पैरेलल दी गई है, एफ ई एफ और जी एच। ई एफ और जी एच को ये वाली ट्रांसवर्सल है, ठीक है। मान लो ये वाली लाइन काट रही है, ये वाली लाइन पैरेलल है, कौन कौन सी, ई एफ और जी एच, उसमें ये लाइन इस लाइन, इन दोनों लाइन को ये ए बी लाइन काट रही है, उसमें दो एंगल बने, एक एंगल 65 है और एक एंगल एक्स है। दोनों ही क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन के दोनों अंदर के एंगल्स है, दोनों अंदर के एंगल्स है। इट मीन्स कौन से एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल्स। अंदर के एंगल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये पैरेलल लाइन के जो बीच में एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल है, और दोनों ही ऑपोजिट साइड पे हैं, मतलब ये ऊपर वाली साइड है ये नीचे वाली साइड है, ऑपोजिट मतलब साइड जो है डिफरेंट है, ऑपोजिट साइड है। इट मीन्स ये कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले हम लाइन्स बताएंगे कि कौन कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले गिवन, जो हमें लाइन दी गई है यहां पर हम लिखेंगे गिवन, गिवन है ई एफ, ई एफ लाइन जो पैरेलल है जी एच की, यही भी लाइन दीजिए। इसमें हम दो एंगल देख रहे हैं, इसमें एंगल एक्स ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 65 डिग्री के, ठीक है। क्यों है, रीजन हमने बता दी, बता मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण एक्स की वैल्यू भी 65 है, मतलब हमने एंगल एक्स पता करना था तो एंगल एक्स की कितनी है, कितना है 65 डिग्री। नेक्स्ट हम एंगल पता करेंगे एंगल वाई, तो एंगल वाई इस सीडी के ऊपर है, इट मीन्स हम इसमें कौन से लेंगे पैरेलल लाइन, ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी पैरेलल टू, ए बी किसके पैरेलल है, ये वाली ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ठीक है, सीडी के पैरेलल है। इसमें हमें ए बी पैरेलल है सीडी के, तो सीडी में इसमें देखो ये 65 और एंगल वाई की जो पोजीशन है वो सेम है, सेम साइड सेम पोजीशन, जो सेम साइड जो सेम पोजीशन की किसकी होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की। तो ये देखो ए बी लाइन के ऊपर 65 है, ये सी डी लाइन के ऊपर 65 है, दोनों ही राइट साइड में है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो एंगल वाई कितना होगा, एंगल वाई इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पर हमने रीजन लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण ये दोनों इक्वल है, ठीक है। एंगल वाई भी कितना है 65, तो हमने कौन कौन से एंगल पता कि एंगल एक्स कितना है 65 डिग्री और एंगल वाई कितना है वो भी है 65 डिग्री। ये हमारा इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का ये है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पी क्यू परपेंडिकुलर, जैसे हमने वो ये डबल साइन होता है तो ये पैरेलल होती है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, ठीक है। पी क्यू परपेंडिकुलर है आर एस पर, ठीक है, ये लिखिए बनिए ना, आर एस पर पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर, ठीक है दोनों। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पर हमें 3x दिया गया, यहाँ पर 6x दिया गया, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इस फिगर को देखकर। तो सबसे पहले हमें गिवन जो चीज है वो जरूर बतानी है अपनी, ठीक है। गिवन है हमें पी क्यू परपेंडिकुलर आर एस, ठीक है, तो ये वाली बता दी हमने। अभी ये देखो ये दो लाइन है पी क्यू और एम एन,
इसमें देखो आप पी क्यू और एम और एन इस पॉइंट पर कट हो रही है। आप इसको भूल जाओ, ठीक है, ये वाला पार्ट भूल जाओ, आपको सिर्फ ये क्रॉस ध्यान रखना है, ठीक है। पी क्यू और एम एन ये वाली आपस में कट हो रही है, इस एंगल को मान लो कि ये वाला एंगल है वाई, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है। तो एंगल वाई कितना होगा, ये देखो ये दोनों एंगल्स, ये लाइन आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, तो इससे ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला अगर 3x है तो ये वाला भी क्या होगा, 3x ही होगा, तो ये होगा 3x डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये है, ठीक है, क्योंकि ये वाले दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल वाई की वैल्यू भी कितनी है, 3x, यहाँ पर हम मेंशन भी कर लेते 3x डिग्री। अभी आप देख सकते हो ये वाला, ये देखो पी यहां से लेकर यहां तक ऐसे बन रहा है, ये वाला पार्ट यहां से लेकर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ऐसे बन रहा है। तो यहां पर कितना एंगल बढ़ रहा है, हमें पता ना कि ये वाला एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। तो ये सारा पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का, ठीक है, यहां पर हमें 90 डिग्री में दो इसको डिवाइड कर दिया गया, तो इन दोनों का प्लस कितना होगा, इन इस और इसका प्लस कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सारा एंगल ही कितने का है, 90 डिग्री का। तो यहां पर हम लिखेंगे y प्लस, ये y है ना, y प्लस 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस के परपेंडिकुलर, इसीलिए ये वाला 90 डिग्री बनता है। तो y एंगल की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने, y एंगल किसके इक्वल है, 3x के। तो y की जगह हम लिख देंगे 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x वेरिएबल सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे, 6 और 3 9, 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी ये 9 इस x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाकर राइट साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 9 वन जा 9, 9 10 जा 90, तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई है 10, यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 10। तो हमने फाइंड भी x की वैल्यू करनी थी, तो 10 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, हमें नीचे फिगर्स को देखकर ये बताना है कि ये एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमने जिसको बताना कैसे है, ऐसे देख के नहीं बताना, आपने उसको हमने निकाल कर, जैसे उसका आंसर अगर पैरेलल होगी तो जैसे हमने पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है तो उसको एक ट्रांसवर्सल करती है, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं, और जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री, ये हमने देखना है। इसमें हमें दो एंगल दिए गए, दोनों क्या है, आप देख कर बताओ ये एंगल कौन से बनेंगे, ये दोनों सेम साइड पे है और अंदर के हैं, तो ये है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 47 और 123 कितना है, को इंटीरियर। अगर ये इन दोनों का को इंटीरियर का सम कितना था, 180 डिग्री, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ तो ये दोनों पैरेलल होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल 123 प्लस 47, ठीक है, इसका सम कितना है, अगर आप इसको प्लस करोगे तो हमारे पास इसका सम आता है, टोटल कितना आता है 170, मगर ये हमें को इंटीरियर दिए गए हैं, उसका को इंटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो यहां पर हमारे पास कितना आता है 170। तो इट मींस ये क्या है, ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल नहीं है। हम यहां पर लिख देंगे, लास्ट में हमने ऐसे लिख देना है द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, हमें पता नहीं ये वाले दोनों कौन थे, को इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज नॉट 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री इसका सम नहीं है, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम, इसीलिए एल जो है पैरेलल नहीं है एम के। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो एल पैरेलल का साइन ये होता है एम, अगर ये होती तो ऐसे रखना था, वरना इसको क्रॉस कर देना हमने, ठीक है, कि पैरेलल नहीं है। सेकेंड पार्ट दिखते हैं इसी का, नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, इसमें हमें ये दो लाइंस दी गई हैं, एक एंगल ये दिया गया है, एक एंगल ये दिया गया है, ये है दो लाइंस के अंदर का एंगल, इट मींस इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, बाहर का एंगल है, इट मींस एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर है और ये इंटीरियर है और एक्सटीरियर है। हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको मान लेते हैं हम एंगल वाई, इसको एंगल वाई मान लो, एक्स मान लो, आपकी मर्जी है। तो हम इस सेकेंड पार्ट के यहाँ पर आंसर करते हैं एंगल वाई,
अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो हम इन दोनों को सम करके देख लेंगे कि क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, इन दोनों को सम करके देख लेंगे अगर 180 डिग्री आता है तो ये वाला एंगल, ये वाली लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये वाई एंगल है, ठीक है, ये वाला इसके एंगल हमने इसको एज्यूम किया है वाई, और वाई एंगल देखो ये वाली एल लाइन और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर काट रही है, इट मीन्स ये दोनों कौन से होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये 53 है तो ये भी 53 होगा, तो एंगल वाई क्या हो गया 53। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 53। अभी ये एंगल इन दोनों को हम सम करके देख लेते हैं, ये अभी दोनों कौन से एंगल्स बन गए, को इंटीरियर एंगल्स। अभी इनका सम करके देखते हैं, एंगल वाई प्लस 127, ठीक है, इसका सम करते हैं, वाई एंगल कितना है 53 प्लस में 127, इसका अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, 53 और 127 का अगर हम प्लस करते हैं तो वो होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो 180 डिग्री आ गया। इट मीन्स ये वाला, क्योंकि हमने कहा था ना को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना था 180 डिग्री, तो इट मीन्स ये वाला एंगल जो है, ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है, जब हमने 50 वाई एंगल 53 और 127 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री, और ये इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री, तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया द सम ऑफ को इंटीरियर, ये एंगल्स कौन से थे, को इंटीरियर, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, सो एल इज पैरेलल टू एम, इसलिए एल क्या है, पैरेलल है एम की, इस तरह हमने साइन लगाकर भी इसको लिख दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसी का, इसमें हमने देखना है कि एल पैरेलल है एम के या नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, इस एंगल को अगर फाइंड कर लिए, दो लाइंस दी गई, इसमें भी एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया, एक इंटीरियर एंगल दिया गया, अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर ले तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स, जिससे क्या हमें पता चल जाएगा, अगर इन दोनों का 180 डिग्री सम हुआ तो ये वाले एंगल्स क्या होंगे, ये वाली लाइन्स क्या होंगी, सप्लीमेंट्री होगी, इट मीन्स क्या होगी, ये वेरी पैरेलल होंगी, ठीक है, तो ये अगर इनका सम सप्लीमेंट्री हुआ, ठीक है, तो हम करके देते, इसमें आप ये भी कर सकते, जरूरी नहीं है कि आपने यही एंगल फाइंड करना, आप ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते, दो तरीके से कर सकते, इसको आप अगर कॉरेस्पॉन्डिंग, इस एंगल को आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी मेंशन कर सकते हो, कि ये दोनों एंगल, क्योंकि सेम साइड होगी, इसकी भी साइड ऊपर है, इसकी साइड भी ऊपर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करके भी इसका पता कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर लीनियर पेयर सोच के भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, आपको जैसे ठीक लगता है, चलो, तो हम ऐसे भी कर सकते, मगर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ वाला, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, मान लो ये वाला एंगल एक्स है, तो एक्स एंगल क्या है, एक्स एंगल क्या होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस लाइन पर काट रही है, तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो 80 और तो एक्स भी क्या होगा 80 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इसका जो ये वाला एंगल है वो भी क्या हो गया 80 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स एक ही साइड पे, दोनों एक ही साइड के और अंदर के एंगल्स, इंटीरियर एंगल, तो ये बनेंगे को इंटीरियर एंगल्स। अभी इनका सम करके देखते हैं, एंगल 80 प्लस एंगल 80, ठीक है, कितना होता है 8 और 8 कितना हो गया 16, ये बन गया हमारा 116, जो किसके इक्वल नहीं है, 116 इज नॉट इक्वल टू 180 के, ये सप्लीमेंट्री नहीं है, इनका सम क्या है, मतलब 160 आता है, इतने ये नहीं आता, तो यहां पर लिख देंगे, तुमने इसका आंसर इस तरीके से करे, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री नहीं है, इसलिए ये वाली लाइंस पैरेलल नहीं है। अगर हम इसका एंगल देखो, अगर हम इसको ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सोचकर इसका करते, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाले दोनों एंगल की सेम पोजीशन थी, तो ये वाला एंगल क्या हो जाना था 180। अभी ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, जो क्या होंगे, लीनियर पेयर होने के कारण इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था, मगर इसका हमने ऐसे निकालना था, फिर इसको देखना था कि इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका सम भी क्या होना 160 आना था, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको जिस तरीके से ठीक लगता है वैसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ भी हमें दो एंगल्स दिए गए, 115 और 65, दोनों क्या है, दोनों एंगल्स देखो, ये वाला एंगल, ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के, ये वाला बाहर है, ये भी बाहर है, इट मीन दोनों एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये ऑपोजिट साइड पे है, ये वाला लेफ्ट नीचे वाली साइड है, ये ऊपर, मतलब ठीक है ना, ये वाला इसके लाइन के लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, साइड भी चेंज है, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं,
सेम होते हैं। यहाँ से ये अगर ये 65 है, ये भी 65 होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये 65 होता तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल होनी थी, तो हम यहां पर लिखेंगे 115 डिग्री इज नॉट इक्वल, ठीक है। यहां पर इक्वल लगाकर आपने इसको क्रॉस कर देना, नॉट इक्वल टू 65। यहां पर अगर एंगल भी लिख दो, ठीक है, एंगल 115 इज नॉट इक्वल टू वन एंगल 65। अगर इसके इक्वल नहीं है तो क्या है, यहां पर हम लिखेंगे द अल्टरनेट एक्सटीरियर। यहां पर हमने स्टेटमेंट बता दिया कि ये हमें एंगल पता था, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। यहां पर हमने लिखकर साइन भी लगा दिया, ठीक है। यहां पर हमारे 8th क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट जो है पार्ट है, अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज, पेयर बताना है मतलब दो एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिसका सम होता है 90 डिग्री। इसमें देखो 90 डिग्री किसका सम होगा, 130 और 50 को प्लस किया तो ये हो गया 180, 35 और 55 को प्लस किया, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इनका सम होगा 90 डिग्री। देखो 35 और 55 दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, 5 और 5 10, 1 कैरी, 5 और 3 8, 8 और 1 9, इट मींस इन दोनों को अगर हम इनका सम करते हैं तो हमारा सम आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इट मींस हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट है अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का सम होता है दो एंगल्स का 90 डिग्री, यहां पर सप्लीमेंट्री में क्या होता है दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अगर हम 55 और 115 को प्लस करते हैं तो इसका सम आएगा 170, ठीक है, यहां पर 170 आएगा तो ये तो हमारा सही नहीं है। 65 और 120 को प्लस करते हैं तो 190 आएगा, 190 तो ये भी नहीं सही है। 47 और 133 को प्लस करते हैं तो हमारा सम आता है 180, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन सी। देखो 47 और 133, ठीक है, सम कितना आ गया 180, तो ये वाला सी का जो पेयर्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन द अदर एंगल इज, देखो लीनियर पेयर कौन सा होता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है अगर उसमें दो एंगल्स बने हैं, उन्होंने कहा है कि वन एंगल, एक एंगल एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से कम है, मान लेते हैं यहां पर हमारा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल है तो दूसरा एंगल क्या होगा, ठीक है, 90 डिग्री तो यहां पर आना था तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो यहां पर मान लो एक एंगल यहां पर बना हुआ है तो दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल क्या हो गया एक्यूट, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, ये ऑब्ट्यूस ही हुआ क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर हमारा एंगल इतना होता, ठीक है, एक एंगल एक्यूट हो गया इतना है तो दूसरा एंगल कितना होगा, ये वाला सारा एंगल, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा ही है तो दूसरा एंगल कौन सा हो गया हमारा ऑब्ट्यूस, हमेशा ही ऑब्ट्यूस ही होगा, ठीक है। जो भी लीनियर पेयर में एक एंगल अगर एक्यूट है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है फोर्थ, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ एल पैरेलल टू एम देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इसमें हमें दो L और M लाइन्स दी गई हैं जो पैरेलल है एक दूसरे के, N लाइन है जो ट्रांसवर्सल है, इसमें हमने x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये वाली लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इंटीरियर है, अंदर के एंगल है और दोनों ऑपोजिट साइड पे है, दोनों ऑपोजिट साइड पे है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और जब भी दो लाइंस, यहां पर हमें मेंशन किया गया कि एल पैरेलल है एम की, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हम यहां पर इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है, थीके? तो एंगल 110 इक्वल किसके इक्वल है, 3x माइनस 40 डिग्री की, इसके इक्वल है ना, इस एंगल के सभी इक्वल है। तो अभी देखो ये वाला एक्स है वेरिएबल के साथ, इसको हम साइड पर रखते हैं, 110
110 में से हम इस 40 को जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट लेफ्ट साइड ले जाते हैं, यहाँ पर ये वाली माइनस में है, इधर जाके हो जाएगी प्लस का 40 इज इक्वल टू 36 एज इट इज रह जाएगा। अब 110 में अगर 110 में 40 प्लस किए तो ये आ जाएंगे हमारे पास 150 इज इक्वल टू 36 एज इट इज। अभी 150 ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा साइड चेंज होने के कारण ये वाला डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इज एज इट इज। 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, 0 की 0 एज इट इज। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो है 50, यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 50। तो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक्स की वैल्यू 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा 50 है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। आपने इसको फाइंड करना है, इसको सम को प्रॉपरली निकालकर आपको पता चलेगी प्रॉपर वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है। एमसीक्यू को, एमसीक्यू जो भी मिले जाते हैं, दिए जाते हैं, उसको कभी भी तुक्के के साथ नहीं करना है, उसका प्रॉपर आंसर मैंने मतलब निकाल के करोगे तो आपको हमेशा श्योरिटी होगी कि आपका जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ एल इज पैरेलल टू एम देन, ठीक है, एल पैरेलल दी गई है हमें एम के, तो इसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये वाला एंगल इन दोनों के एंगल एल और एम के अंदर का है, इट मीन्स इंटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर है, ठीक है। ये इसमें हम क्या करेंगे, इसको ये वाला एंगल फाइंड, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल ऑपोजिट आ रही है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए हम इसको, इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। आप चाहो तो ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे ही आपको ठीक लगेगा वैसे ही कर सकते, क्योंकि ये वाला एक्स है तो ये वाला भी एक्स ही होना था। इन दोनों को आप को इंटीरियर सोचकर 180 डिग्री के साथ इसको सम को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल मान लो, ये वाला एंगल आप इसको वाई मान सकते हो, आप इसको वन मान सकते हो, जो भी आपको दिल करता है आप वहां इसकी नंबरिंग कर सकते हो। तो हम इसको एंगल को एंगल वाई मान रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल वाई है, एंगल वाई की वैल्यू कितनी है, 75 होगी, 75 डिग्री। क्यों होगी 75 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, ये वाली लाइन इस लाइन को इस पॉइंट कट काट रही है, तो ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला 75 है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये वाला वाई है। अभी इन दोनों को, अभी इसकी वैल्यू हमें पता चलिए 75 है, ये दोनों एंगल कौन से बन गए अभी, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 75 डिग्री प्लस में एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स होने के कारण ये वाला सम 180 डिग्री होगा। अभी एक्स को इधर रखते हैं 180 डिग्री, ये वाला यहाँ पर प्लस में है, इसके सामने आप सामने कोई भी साइन है, इट मीन ये प्लस में, इधर अगर ये राइट साइड शिफ्ट होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला बन गया हमारा 75। तो एक्स की 180 से 75 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 105। तो इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 105। इसमें ऑप्शन दिया गया हमें, तो ये देख सकते हो सी का ऑप्शन जो है वो है 105, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें आपको एमसीक्यूज दिए गए, ये वाला आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सभी मैं पार्ट आपको समझाने के लिए यहाँ डिटेल में लिख रही हूँ कि कैसे मैंने इसका आंसर फाइंड किया है, ठीक है। तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिक भी लगा सकते हो, मगर आपने अगर कॉपी पे करना तो ऐसे ही करो, नोटबुक पे करोगे तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा कि आपने 105 कैसे सोचा कि कैसे आए। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स दैट विल मेक द लाइन्स एल एंड एम पैरेलल इज, ठीक है, जहां पर हमें एल और एम पैरेलल दिखे हैं उसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखो आपको फिगर से आराम से पता चला कि दोनों एंगल्स हमें एक ही साइड में दिए गए हैं और दोनों इंटीरियर हैं, तो ये एंगल्स कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल्स है। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख के देखते हैं 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है, क्योंकि ये दोनों है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल होने करके समय का इतना है। तो 5 और 4 को प्लस किया तो ये बन गया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। ये वाला 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 9 वन जा 9, 9 20 जा कितना होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 20, तो x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा 20 है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है।
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी आज की जो एक्सरसाइज है 5.2 वो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।